हाय गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के कुछ रिवेट चैप्टर के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट्स यूज्ड इन प्रेस्ड स्टील टैंक इज। संपीड़ित इस्पात टैंकों में प्रयोग की जाने वाली प्लेटों की न्यूनतम मोटाई क्या होती है? संपीड़ित इस्पात के टैंक में प्रयोग की जाने वाली प्लेटों की न्यूनतम मोटाई यानी मिनिमम थिकनेस 6 मिलीमीटर लिया जाता है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शैल नॉट बी लेस देन। रिवेटों के लिए न्यूनतम पिच का मान निम्न में से कम नहीं होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए? चार ऑप्शन दिए गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2.5D, 2.5D, डी क्या है आपका? डी है डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, डी क्या है? डाया ऑफ रिवेट। तो जो दो रिवेट होता है यानी एक ही रिवेट लाइन पर अगर बात किया जाए, डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये आपका रिवेट लाइन है, यहाँ पर पिच लगे हुए हैं, सॉरी रिवेट लगे हुए हैं, ठीक है। तो किसी भी दो रिवेट ले लीजिए, कोई भी जो दो पास पास रिवेट हैं, एक रिवेट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इनके बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो 2.5D से कम नहीं होनी चाहिए। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज एज्यूम्ड टू बी 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। 200 किलो न्यूटन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया है। मैंने आपको बताया हुआ था 2×10^5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है इसको देखिए, चेंज कीजिए, 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को आप चेंज कर लेंगे। तो जो यहाँ पर 200 को 2 लिख दीजिए, 10^2 मिल गया यहाँ से हमें, और 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होता है तो 3 जीरो यहाँ से मिल गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 जीरो, यानी 5 पावर हो जाएगा 10 पे। तो 2×10^5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट अप टू 25 मिलीमीटर, कह रहा है कि 25 मिलीमीटर ब्यास तक के रिवेट के लिए सकल एवं सामान्य ब्यास में अंतर कितना होता है। देखिए, ग्रॉस डाया और नॉमिनल डाया अलग अलग होता है। नॉमिनल डाया रिवेट का वह डाया होता है जो रिवेट के शैंक का ब्यास होता है, शैंक का डाया होता है जो, और ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या होता है? रिवेट को उस प्लेट में लगाने के बाद जो डाया होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। या कह सकते हैं कि रिवेट के लिए जो उस प्लेट में होल का डाया होता है वो कहलाता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। तो रिवेट का जो शैंक का डाया होता है जिसे नॉमिनल डाया बोलते हैं, उससे होल का डाया ज़्यादा लेकर के चलते हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा लेके चलते हैं? यदि आपका रिवेट का डाया 25 mm से कम है, अगर रिवेट का डाया आपका 25 मिलीमीटर से कम यानी 25 मिलीमीटर तक है, यदि नॉमिनल डाया अप टू 25 मिलीमीटर तक है, तब ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं? उस नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट में 1.5 मिलीमीटर ऐड कर देते हैं, इसे जोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कितना सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1.5 mm जोड़ दिया जाता है यदि रिवेट का डाया 25 मिलीमीटर तक है। तो अगर 25 मिलीमीटर से अधिक होने लगता है तब यहाँ पर आप 2 mm प्लस कर देंगे, जो आपने 1.5 mm प्लस किया हुआ है फिर 2 mm प्लस कर देंगे। 25 mm से ज़्यादा अगर आपका रिवेट का डाया यूज किया गया है तो ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट का नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट प्लस 2 mm। इफ स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पर पिच लेंथ इज इक्वल टू 2556 किलोग्राम एंड ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट पर पिच लेंथ इज 4260 किलोग्राम ज्वाइंट एफिशिएंसी।
देखिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाय ठोस प्लेट की स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ये फॉर्मूला होता है। अब दोनों में यहाँ पर आपको प्रति पिच की लंबाई में दिया गया है, ठीक है, सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ भी आपको पर पिच लंबाई का दिया गया है और जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट है वो भी पर पिच लंबाई का दिया गया है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इन पर मीटर लेंथ में, पर पिच मीटर लेंथ में 2556 किलोग्राम, 2556 किलोग्राम डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट 4260 किलोग्राम इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 60% आपका आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन ए सही है। इन अनविंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू 6 अंडर रूट टी यूनिट्स ऑफ d एंड t इज टेकन एज मिलीमीटर। अनविंस फॉर्मूला देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, d इज इक्वल टू 6.05 अंडर रूट टी। यहाँ पर d जो है वो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट है, ध्यान दीजिएगा, आप नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट को फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पर डी से डिनोट किया गया है, बट डी क्या है आपका, डी है यहाँ पर नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, ठीक है, ग्रॉस डाया मत समझ लीजिएगा इसको। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका, इस फॉर्मूले में जो यूनिट निकल के आता है इनका टी और डी का, वो क्या आता है, मिलीमीटर आता है, ठीक है, ये वैल्यू किस में, मिलीमीटर में होता है, ऑप्शन ए सही है। एज कंपेयर्ड टू फील्ड रिवेट्स द शॉप रिवेट्स आर, देखिए शॉप रिवेट्स जो होता है फील्ड रिवेट के कंपेयर में स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्या होता है, स्ट्रांग होता है, शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ फील्ड रिवेट से ज़्यादा होता है, फील्ड रिवेट की कंपेयर में शॉप रिवेट हमेशा अधिक मजबूत होता है, अधिक स्ट्रेंथ वाला होता है, ठीक है। शक्ति चलित स्थल रिवेट के लिए जो परमिसिबल स्ट्रेस है के मान में शॉप रिवेट का जो परमिसिबल स्ट्रेस है उसका 10% कम लिया जाता है, ठीक है, इसलिए शॉप रिवेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो फील्ड रिवेट के कंपेयर में ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है। The maximum pitch of any two adjacent rivets in terms of thickness of plate is limited to, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है कि टी मोटाई की प्लेट के मामले में किसी भी दो निकटस्थ रिवेट के की अधिकतम पिच निम्नलिखित तक सीमित है, अधिकतम पिच की लंबाई पूछा है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिवेट पिच का जो अधिकतम मान होता है वो 32 टी या 300 मिलीमीटर, इसमें से जो कम होता है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 32 टी या 300 मिलीमीटर, याद रखेंगे 32 टी या 300 मिलीमीटर, इनमें जो सबसे कम होता है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर यही बात टेंशन मेंबर के लिए किया जाता तो टेंशन मेंबर के लिए 16 टी या 200 मिलीमीटर, इनमें जो सबसे कम होता है उससे अधिक नहीं लिया जाता है। अगर कंप्रेशन मेंबर की बात किया जाए तो 12 टी या 200 मिलीमीटर, इसमें जो सबसे कम होता है उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट है। द ग्रॉस डायामीटर ऑफ द रिवेट इज 23.5 मिलीमीटर, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट यहाँ पे दे दिया गया है 23.5, यानी डी का वैल्यू दिया है 23.5 मिलीमीटर। व्हाट वुड बी इट्स स्ट्रेंथ इन डबल सीयर, डबल सीयर के लिए, डबल सीयर में यानी द्वितल अपरूपण में
इसका स्ट्रेंथ क्या होगा? टेक वर्किंग स्ट्रेस ऑफ 100 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर इन शियर। यहाँ पर आपको शियर स्ट्रेस दे दिया गया है, Fs का वैल्यू दिया गया है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा गया है शियर स्ट्रेंथ कितना होगा, शियर स्ट्रेंथ कितना होगा डबल शियर में। डबल शियर का मतलब क्या है कि बट जॉइंट है और इसमें दो कवर प्लेट लगा हुआ है। जब दो कवर प्लेट लगा हुआ होता है तभी डबल शियर होता है, सिंगल कवर प्लेट लगा होगा तो सिंगल शियर होता है। तो फॉर्मूला आप लगाएंगे PS इज इक्वल टू, PS क्या है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डबल शियर है, जितने शियर होता है उतने का मल्टीप्लाई करते हैं, जितने कवर प्लेट लगते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर, डाया कितना दिया गया है 23.5 का स्क्वायर, इंटू Fs, इंटू Fs, Fs का वैल्यू कितना है 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 86.7 किलो न्यूटन। द साइज ऑफ अ रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाई, एक रिवेट को आप कैसे पहचान करेंगे, रिवेट को आप कैसे पहचान करेंगे, रिवेट का माप किससे निर्धारित किया जाता है। देखिए रिवेट को हमेशा डायमीटर ऑफ सैंक से निर्धारित किया जाता है। रिवेट क्या होता है, रिवेट एक इस्पात की एक गोल कील होती है जिसका एक सिरा कुछ मोटा बनाया जाता है जिसे हेड बोलते हैं और बाकी शेष भाग को सैंक बोला जाता है। जो हम डाया यूज करते हैं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, वो डाया सैंक का डाया ही होता है। ठीक है, जब भी हमें कहेंगे कि भाई 18 mm का रिवेट यूज किया गया है तो वो किसका डाया होता है, सैंक का डाया होता है। ठीक है, सैंक का डाया से निर्धारित किया जाता है। मान लो ये आपका रिवेट है, ऊपर देखिए हेड बना है, इसे इस पोर्शन को बोलते हैं हेड और नीचे जो पोर्शन है इसे बोलते हैं सैंक, और इसी सैंक का डाया ही आपको दिया जाता है, इसे फाई से डिनोट किया जाता है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, इसी डाया से ही आपको रिवेट मिलेगा, या मार्केट में भी आप खरीदेंगे तो सैंक के डाया से ही आपको रिवेट मिलेगा। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इन बियरिंग ऑन रिवेट इज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बारे में भी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है परमिसिबल स्ट्रेस किसके लिए, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट किसमें, बियरिंग में पूछा गया है। ठीक है, तो बियरिंग के लिए 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, अगर शक्ति चालित शॉप रिवेट के लिए बात किया जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो 100 न्यूटन पर मिलीमीटर लिया जाता है, जबकि शक्ति चलित शॉप रिवेट की बात किया जाए बियरिंग स्ट्रेस के लिए तो 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिया जाता है। शक्ति चालित स्थल रिवेट का बात किया जाए यानी फील्ड रिवेट का बात किया जाए तो फील्ड रिवेट के लिए हमेशा जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है वो केवल 90% लिया जाता है। इस प्रकार बियरिंग स्ट्रेस में जो शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट होता है उसका जो अनुज्ञेय प्रतिबल होता है वो 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिया जाता है। ठीक है, 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। यहाँ पर देखिए फील्ड शब्द यूज किया गया है, फील्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये है तो ये शॉप रिवेट ही लेकिन फील्ड का है। ये पावर ड्रिवन शॉप रिवेट एक होता है और एक होता है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट होता है। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट एंड पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है, हिंदी में
शक्ति चालित शॉप रिवेट एंड शक्ति चालित क्षेत्र रिवेट, दो अलग अलग शब्द होते हैं ये। अगर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट की बात किया जाए तो एक्सियल टेंशन जो होता है स्ट्रेस 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलते हैं, शियर स्ट्रेस 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलते हैं, और बियरिंग स्ट्रेस 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेके चलते हैं। ये बियरिंग स्ट्रेस है, ये किसके लिए है? पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, आप लोग लिख लेंगे पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, लेकिन यहाँ पर हमें शॉप रिवेट नहीं बल्कि फील्ड रिवेट का पूछा गया है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। तो इसमें से 90% इसका 90% ले लीजिए तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट हो जाएगा। जैसे टेंसाइल में हो जाएगा 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी 90 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 270 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपसे 270 ही पूछा गया था, ये फील्ड रिवेट का है, यानी पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट का है। एक होता है हैंड ड्रिवन रिवेट, हस्त चलित रिवेट, ये पावर ड्रिवन नहीं है, हैंड ड्रिवन रिवेट है। तो ये होता है टेंसाइल में 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, शियर स्ट्रेस में होता है 80 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड बियरिंग स्ट्रेस में होता है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला वैल्यू मैंने किसका बोला था? पी से पावर, डी से ड्रिवेन, एफ से फील्ड, आर से रिवेट। ठीक है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। जो दूसरा मैंने आपको बताया, पावर पी से, डी से ड्रिवेन, सॉरी ये शॉप रिवेट था, शॉप पहला वाला शॉप था, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट पी डी एस आर। जो दूसरा वाला है वो है आपका पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, और तीसरा वाला है आपका हैंड ड्रिवन रिवेट एच डी आर, एच डी आर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहला जो मैंने आपको बताया हुआ है वो है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट, सेकेंड वाला है पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, एंड लास्ट है हैंड ड्रिवन रिवेट। ऊपर जो तीनों वैल्यू दिया गया है, पहला वैल्यू है टेंसाइल का टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा है शियर स्ट्रेस, तीसरा है बियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट इन एक्सियल टेंशन, देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया हैंड ड्रिवन रिवेट का एच डी आर, जो मैंने लास्ट में बताया है आपसे, लास्ट में जो मैंने आपको बताया एच डी आर हैंड ड्रिवन रिवेट का, केवल टेंसाइल का पूछा गया। तो टेंसाइल के लिए 80 होता है, शियर के लिए भी 80 होता है, और बियरिंग स्ट्रेस के लिए 250 होता है। ठीक है, तो आपसे टेंसाइल का पूछा गया है तो 80 हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट, रिवेट छिद्र का व्यास रिवेट के व्यास से कितना बड़ा बनाया जाता है? तो रिवेट छिद्र का जो व्यास होता है, यानी रिवेट होल का जो व्यास होता है, डाया होता है रिवेट के व्यास का, 1.5 से 2 mm ज़्यादा लिया जाता है, 1.5 से 2 mm ज़्यादा लिया जाता है। कैसे? अगर 25 mm तक है तो 1.5 mm ज़्यादा लेके चलते हैं, 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm ज़्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में 1.5 mm कहीं पे नहीं दिया गया है, केवल 2 mm दिया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 mm ले लेंगे। द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल टू द नियरेस्ट फ्लेम कट एज शैल नॉट बी लेस देन, क्वेश्चन को समझिए पहले। किसी छिद्र के केंद्र से निकटतम सुगम फ्लेम कट किनारे तक न्यूनतम किनारा एवं अंत दूरी निम्नलिखित में से किससे, निम्नलिखित में से नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? 1.5 टाइम्स होल्ड आया पहला, रिवेट के छिद्र के लिए न्यूनतम जो किनारा दूरी होता है, न्यूनतम किनारा दूरी जो होता है, मिनिमम एज डिस्टेंस जो होता है, वो
रिवेट डाया का 1.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1.5 इंटू फाइव, फाइव क्या है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, इससे कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी इज सही है। ये किनारा दूरी पूछा था, किनारा दूरी एज डिस्टेंस, ठीक है। डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ, ये रिवेट लाइन है, 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 ये पूरा मान लीजिए प्लेट है आपका आउटर वाला, यहाँ पर रिवेट लगा है, यहाँ पर रिवेट लगा है, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। किनारा दूरी क्या होता है, जो पहला रिवेट लाइन होता है ये वाला, ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, किनारा दूरी। तो ये 1.5 इंटू 5 से कम नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू अनविंस फार्मूला द रिलेशन बिटवीन डायमीटर ऑफ रिवेट होल्डी इन mm एंड थिकनेस ऑफ प्लेट 3 mm इज गिवन बाय, अनविंस फार्मूला पूछा गया। तो अनविंस फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है, वैसे यहाँ पे नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट को डिसनोट किया गया है 6.05 अंडर रूट टी, तो 6.05 नहीं दिया गया ऑप्शन में, 6.01 दिया गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। Identify the erroneous statement mild steel. मृदु इस्पात के लिए गलत कथन चुनिए, गलत कथन कौन सा है। Mild steel एक तन्य पदार्थ होता है, तन्य का मतलब है उसमें वो फैलता है, ठीक है। इसमें 5% की तन्यता में वृद्धि करने पर अत्यधिक विक्षेपण हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही है कि जब ये फेल होता है तो इसकी जो इलोंगेशन एट फेलर, विफलता की स्थिति पर लघु प्रतिशत दैर्ध्य वृद्धि हो जाती है, इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा, हैज स्मॉल परसेंट इलोंगेशन एट फेलर। डायमीटर ऑफ रिवेट होल शुड बी ग्रेटर दैन द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट बाई अबाउट, आपसे पूछा गया है कि जो डायमीटर ऑफ रिवेट होल होता है वो नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट से कितना ज़्यादा होता है, तो 1.5 mm और 2 mm ज़्यादा होता है, 25 mm तक है तो 1.5 mm, 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm, ऑप्शन सी सही है। अभी भी इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया होता पहले भी आपसे, द ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट होल फॉर रिवेट विथ नॉमिनल डायमीटर ऑफ 27 mm इज, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या होगा यदि नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट 27 mm दिया गया हो। देखिए डाया का वैल्यू दिया गया है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट दिया है 27 mm, आपसे पूछा गया है कि डाया ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या होगा या होल का डाया क्या होगा, ये 25 mm से ज़्यादा है तो इसमें 2 mm प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा आपका। अलाउएबल एवरेज शियर स्ट्रेस इन एन अनस्टीफन वेव फॉर बीम्स मेड ऑफ स्टील ऑफ ग्रेड 250 N/mm². क्वेश्चन को समझिए पहले, ग्रेड 250, ग्रेड 250 स्टील से निर्मित धरण की अनस्टीफंड वेव के लिए औसत अपरूपण प्रतिबल का मान क्या होगा, एवरेज शियर स्ट्रेस का मान क्या होगा, एवरेज शियर स्ट्रेस का वैल्यू आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहूँगा कि एवरेज शियर स्ट्रेस आप कैसे निकालते हैं जिस भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो एवरेज शियर स्ट्रेस बराबर होता है क्या, 0.4 into FY का वैल्यू दिया गया है 250 N/mm². सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 N/mm², ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।